So right now we are joined by the god of Indian modern hockey, Mr. PR Sreejesh. Sir, itni badi jeet hui hai hockey team ki, to kis tarike se is jeet ko dekhte hain? Saath hi aapne apne retirement ka bhi announcement kar diya hai, to aage ka kya plan hai? मैडम, बैक टू बैक ओलंपिक्स मेडल जीतना एक बड़ी बात है. ये हम लोगों ने हॉकी को एक पुनर्जन्म दे रहा है, एंड डेफिनेटली हम एक बार में यंगस्टर्स के लिए एग्जांपल बन रहे, ताकि यंगस्टर्स हॉकी शुरू करें और हॉकी को आगे लेके जाए. पहले तो थैंक यू सो मच. मैं यही कहना चाहूँगा कि इस बार हम लोग का काफ़ी अच्छी तैयारी थी. जो हम लोग का ये था कि पिछले जो लास्ट टाइम 2020 में ओलंपिक मेडल आया था, ताकि उसमें मेडल आया था, इसमें भी हम लोग को लेके आना है किसी हाल में. और उसके लिए हम लोग काफ़ी पहले से तैयारी कर रही थी. और जो हम लोग का टीम में टीम बॉन्डिंग थी, इस काफ़ी अच्छी थी. हम लोग एक दूसरे के सपोर्ट कर रहे थे. प्लेयर्स दूसरे टीम कंट्री प्लेयर का, जो प्लेयर कैसे खेलते हैं, उनको क्या वीकनेस, हर टीम डिफरेंट होती है. तो उस पर हम लोग काफ़ी टेक्टिकल काम किया है, मीटिंग किया है उसके बारे में, हर प्लेयर किया है, मिडफील्डर्स जो हैं आपस में किए, डिफेंडर आपस में, फॉरवर्ड. तो हम लोग, मुझे लगता है कि इससे काफ़ी सपोर्ट मिला है इंडियन हॉकी टीम के लिए. और जो हमारे कोचिंग स्टाफ है, वो भी काफ़ी वर्क किया है, टेक्निकली किया है, हर प्लेयर के बारे में उसका क्या अच्छा है, उस कंट्री क्या स्ट्रक्चर है उस पर फोकस किया है. और हम लोग की तैयारी काफ़ी हार्ड चल रही थी बेंगलोर में काफ़ी टाइम से. तो हम लोग को किसी हाल में मेडल लेके आना था. और जो हमको कि हमारा जो सेमीफाइनल मैच था, वो हम लोग काफ़ी अच्छा खेल के और हम लोग लूज कर गए हैं. बट खेलने में और कॉन्फिडेंस हुआ कि हम लोग ब्रॉन्ज मेडल मैच में हम एक साथ बैठे, प्लेयर्स बैठे, कि हम लोग को हर हाल में मेडल लेके जाना. और श्रीजेश भाई का लास्ट मैच था, तो उसमें टीम काफ़ी मोटिवेट थी और एक्साइटेड थी उसमें पूरी, कि हम लोग को लेके जाना किसी हाल में. तो हम लोग प्रूव भी हो किया, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक अच्छा रहा काफी. बेशक सर, 52 साल का जो एक वेट था, इंतजार था, वो खत्म हो गया है हॉकी टीम का. लेकिन गोल्ड की एक जो उम्मीद थी, वो सब प्लेयर्स में, आपकी टीम में भी होगी, पूरे भारत में भी थी. गोल्ड नहीं आया, लेकिन ब्रॉन्ज जो आया है, उससे पूरी दुनिया आप पे बहुत फख्र भी करती है. लेकिन गोल्ड कहाँ चूका? बस मैडम, गोल्ड हम लोग का मतलब जो काफी मैचेस चल रहे थे, मैचेस हम लोग का मैचेस, तो वहाँ पे हम लोग अच्छा खेलते हुए बेल्जियम से, ऑस्ट्रेलिया से और इंग्लैंड से खेलते, जिस हिसाब से मतलब परफॉर्मेंस किए, मतलब वो तो हम लोग फाइनल जाने वाले थे. बट बताया आपको कि सेमीफाइनल में हम लोग जा रहे हैं, वो अच्छा खेल के आ रहे हैं. कुछ उस दिन शायद बैठ दे रहा हो, मिसिंग हम लोग की ज़्यादा हुई. फर्स्ट हाफ में हम लोग काफ़ी अच्छा क्रिएट किया, पीसी बनाया, तो उसमें हम लोग, ये हमें लगता है कि आने वाले 2028 में जो ओलंपिक्स है, हमें लगता है, पूरा विश्वास है कि हम लोग मेडल का कलर चेंज करेंगे और उसी हिसाब से हम लोग तैयारी और अच्छे से करेंगे. जहाँ पर कमियाँ रह गई हैं नेक्स्ट पहले में, उसमें सुधार करेंगे. और जो हमारे जो हॉकी इंडिया काफ़ी एग्रेसिव काम ले रही है, और इस बार तो देशवासियों को काफ़ी सपोर्ट मिला है हॉकी के लेकर, लगातार 2 बार मेडल लाए हम लोग. और नेक्स्ट टाइम यही करेंगे कि मेडल का कलर चेंज करना है. बिल्कुल सर, पूरे देश को भी आप पर बहुत उम्मीदें हैं और भरोसा है कि अगली बार गोल्ड जरूर आएगा. एक आखिरी सवाल, आपके जो कप्तान है हरमनप्रीत सिंह, उनको किस तरीके से देखते हैं, उनकी कप्तानी कैसी रही इस पूरे प्रैक्टिस के दौरान, पूरे मैचेस के दौरान? एक्चुअली हरमन भाई जो काफ़ी मतलब सपोर्टिव हैं, जो मतलब मैच के अंदर जो मिस्टेक होती है उस पर बोलते हैं कि तुम्हारा ये चीज़ क्वालिटी अच्छी है, इसमें आराम से कर, बस ज़्यादा उसके ऊपर फोकस मत करो, तुम बेस्ट हो. कि जो हर प्लेयर का एक चीज़ होती है बेस्ट, उसमें वो सबका, हर प्लेयर को पता है क्या स्वास्थ्य है, क्या ख़राब है. बट तो मतलब हम लोग मीटिंग होती थी, काफ़ी सपोर्ट करते थे. मिस्टेक्स अगर खेलते हैं कोई, तो गलती होती है, बट सेम रिपीट नहीं करना. और काफ़ी मतलब सपोर्ट करें, तुम्हारी चीज़ जो अच्छी है उस पर करो, ज़्यादा सोचने की बात नहीं है. बस एक एक पहले तो एक टीम साथ एकजुट होकर खेली है सबसे. बट हम लोग का जो, मैंने आपको भूल गया बताना, जो हम लोग का रेड कार्ड हुआ था, वो हम लोग सेमीफाइनल में बिना अमित्रोहिदास के खेले, वो हमारे लिए थोड़ा ड्रॉबैक रहा कि वो अगर शायद होते तो हम लोग पीसी में गोल नहीं कन्वर्ट करते, शायद वहाँ पर मैच हार जी. शायद वो हम लोग का ड्रॉबैक था कि पीसी फर्स्ट रन हमारे काफ़ी अच्छे हैं, और वो होते तो और अच्छा हो सकता था. बट एक्चुअली ये पूरे देश की जीत है, और उसके साथ मैं सबका धन्यवाद भी करना चाहूँगा कि पूरे देशवासियों ने हॉकी को इतना प्यार दिया है, इतना सपोर्ट किया है. तो कहीं ना कहीं उनका बिलीव दिखाया है कि हाँ, हॉकी का जो पहले हम लोग गोल्डन एज सुनते थे, अब हमें वो चीज़ हकीकत में बदलने का भी मौका मिल रहा है. और इससे भी और अच्छा होगा, और आगे चल के भी मेडल का कलर चेंज होगा. बिल्कुल सर, जब आप लोग फील्ड पर थे, गेम खेल रहे थे, तो जो फोकस है वो किस पे था, कि अपना बेस्ट देना है या फिर सामने वाले को हराना है? नहीं मैम, हमारे साथ हम लोगों का जो फोकस होता है एज ए टीम, जो हम मेंटली प्रिपेयर किए रहते हैं,
कि हमेशा हमें अपना जो परफॉर्मेंस जो हमारी प्रैक्टिस किए रहे हैं उस पर हम प्रोसेस पे बिलीव रखें, ट्रस्ट रखें, एज अ टीम जो हमने स्ट्रेटजी तैयार की है हम उस पर ही फोकस करके हम किसी को हराने या उसके बारे में, ये हमारा आउटकम पे वो नहीं होता है, हमें केवल वो है कि जो हम इतने सालों से प्रैक्टिस करते आ रहे हैं हम उस पर स्टिक रहें, चाहे हम 2-0 जीते चाहे 2-0 से हारे, परिणाम हमारे हाथ में नहीं होता है, हमारे हाथ में परफॉर्मेंस होता है तो हमारा उस पर फोकस होता है। सर, इस बार भारत ने ब्रॉन्ज जीता है, गोल्ड की जो इच्छा थी वो अभी नहीं पूरी हुई है, तो क्या लगता है कहाँ कमी रही या फिर किस तरीके की तैयारी अगली बार होगी गोल्ड के लिए? मैडम देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कमी मैं बताऊँ तो हमेशा अच्छे ही के लिए हम लोग करने के लिए जाते हैं, और रही बार अनफॉर्चुनेटली अगर आपने भी देखा होगा, सबने देखा कि इस बार अच्छी हॉकी हुई है, अच्छा खेला है हम लोगों ने, बट हमेशा अच्छी की और उम्मीद होती है, तो डेफिनेटली आगे चल के आप देखेंगे कि और अच्छा ही होगा और मेडल कलर चेंज होगा। Yeah, it's awesome. It's just brings great pride to the nation, and I think it's put Indian hockey back on the map because of the back-to-back from, it's the only team that's got 2 medals in 2 Olympic campaigns, and it's just rewards for all the work that the staff and the players have been through, and Hockey India and everyone that's been a part of it. Right, sir. And sir, what do you think about the captain, Harmanpreet Singh? How did he do as a captain, as a player, both? Well, he scored 10 goals. So he led from the front and he had a fantastic tournament. I mean, all the leaders had a fantastic tournament. All the senior players really, really did their part. And yeah, let's not forget about Sree. It's his day today, so he had a fantastic tournament. Just pretty we couldn't get over the line in the semi-final. It was close, but yeah, proud. Yes, sir. And Prsreejesh has announced his retirement also. What do you think about that? Is he ready for the retirement or the Indian team still needs him? Well, he's made his decision, you know, and we'll respect his decision, and it's time. He knows when you're an international athlete and you've spent 24 years doing, you know, the game you love, there comes a time when you hang up your boots, and I think he's going out at the right time. He's not injured, he's not playing poorly, he's playing the best he's played, he's healthy, he's fit, and he can start the next chapter. Right, sir. And as of India, we talk about, everyone was expecting the gold. We have received a bronze medal, which is very proud for India also. But what do you think, where did we lose the game? Where did the Indian hockey team lose the gold medal? I don't know if we lost the gold medal. We were very, very competitive in the semi-final. We just couldn't score in the first half after creating some really strong opportunities. And yeah, things happened that were a little bit out of our control, and we did the best we could. The key was that we picked ourselves up and we got something out of the tournament, because we were really playing the best hockey we've played in the last 14 months, and it was all on the biggest stage, and we deserved that bronze medal. Can we say it was just not India's day? I don't think we tried everything. You know, it wasn't for lack of trying, and we were very competitive, and in the first half we played really, really well. Really well. And yeah, it's just a pity. बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ही बड़ी बात है अपने देश के लिए और इंडियन हॉकी के लिए कि इंडिया का बैक टू बैक 2 मेडल आ गए, बिकॉज कहीं ना कहीं ये बोला जा रहा था कि इंडियन हॉकी जो नीचे जा रही है वो उभर के अपनी वापस आ रही है. सो ये बहुत बड़ी बात है अपने हॉकी के लिए और देश के लिए. जी बिल्कुल सर, गोल्ड की उम्मीद आप सभी ने भी की थी और पूरे भारत की नज़र जो गोल्ड पे थी, वो कैसे लगता है आपको कि कोई कमी रही प्रैक्टिस में या किसी चीज़ में? नहीं नहीं, हम ये नहीं कह सकते. जैसे आपने थ्रू आउट द टूर्नामेंट, अगर आपने टूर्नामेंट देखा होगा तो आपको पता होगा कि टीम ने पहले दिन से लेकर लास्ट डे तक बेहतरीन प्रदर्शन किया है. और आई थिंक कहीं बैड डे होते हैं टीम के, कहीं भी ना कभी वो हमारे से चूक हो गई, जो भी 3-2 से हमारे को इतना बुरा खेल, लेकिन अरे बहुत ही फंटास्टिक हॉकी खेली हमने सेमीफाइनल में भी. बट चलो कोई बात नहीं, अभी हम नेक्स्ट ओलंपिक्स में ये कोशिश रहेगी हम मेडल कलर चेंज करें. बिल्कुल सर, फंटास्टिक हॉकी आप लोगों ने खेली और पूरा भारत आप सभी पे नाज भी करता है, लेकिन जब आप लोग सब फील्ड पे होते हैं तो क्या एक माइंड स्टेट रहती है कि अपना सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस फील्ड पर देना है या ओपोनेंट को हराना है? किस माइंड सेट से पूरी हॉकी टीम प्ले करती है? बिल्कुल बिल्कुल, अगर हम अपना बेस्ट देंगे तभी नेक्स्ट ओपोनेंट को हरा सकेंगे. हमारा माइंड सेट यही होता है कि एक अच्छी हॉकी खेलें, अच्छे जो हमारा प्लान है उस हिसाब से खेलें, और अगली टीम को बीट करना तो ये तो हर एक टीम का टारगेट रहता है. बिल्कुल सर, आप अपने कोच क्रेग फुल्टन और साथ ही साथ कैप्टन हरमनप्रीत सिंह, इन दोनों की जो जुगलबंदी रही है पूरे मैच में, प्रैक्टिस के टाइम पे, मैचेस के टाइम पे, तो इन दोनों के इन्वॉल्वमेंट को किस तरीके से बयां कर पाए?
बिल्कुल, बिकॉज कोच की इन्वॉल्वमेंट तो आपने सब देखी होगी, जिस हिसाब से हमारी हॉकी चेंज हुई है कोच का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि नए स्ट्रक्चर और न्यू एवरीथिंग टीम में लेके आना ये बहुत बड़ी बात होती है, इससे प्लेयर्स और टीम्स कॉन्फिडेंट में आती है और ये जुगलबंदी अच्छी है, इस जुगलबंदी की वजह से ही टीम ने इतना अच्छा परफॉर्म किया है। थैंक यू सर बातचीत करने के लिए। कैमरा पर्सन अवधेश के साथ मैं मेहंदी गर्ग, न्यूज़ दिल्ली।